मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल का शिलान्यास किया। 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रही इस मेट्रो की आधारशिला फारूक नगर बस डिपो के पास रखी गई। कार्यक्रम में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। MGBS से फलकनुमा तक 5.5 किमी की दूरी तक 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अगर यह पूरा हो जाए तो आप सिकंदराबाद से JBS और MGBS के जरिए ओल्ड सिटी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल लाइन की आधारशिला रखने के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा, उनकी सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। वे सिर्फ चुनाव के दौरान राजनीति करेंगे और बाकी समय उनकी प्राथमिकता विकास पर होगी। उन्होंने कहा, हैदराबाद में पीने का पानी कांग्रेस के शासनकाल में ही आया। इब्राहिमपट्टनम के विधायक मल्ल रेड्डी रंगा रेड्डी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर नंदी वनरपति शिव मंदिर में विशेष पूजा की। अवसर पर विधायक मल्ल रेड्डी रंगा रेड्डी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, भगवान शिव की कृपा से सभी लोग दीर्घायु एवं स्वस्थ रहे। विधायक मल्ल रेड्डी ने कहा, ग्रामीण परिवेश में बेहद मनभावन रूप से खिल रहे इन मंदिरों के दर्शन करना सुखद है। भगवान उन्हें और सरकार को लोगों और मंदिरों की सेवा करने का सौभाग्य देंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की, ईश्वर की कृपा से उन्हें शीघ्र ही सेवा करने का अवसर मिलेगा। जुबली हिल्स में वेगाश्री गोल्ड एंड डायमंड स्टोर में महिला दिवस समारोह आयोजित किया गया। पद्मश्री डॉक्टर मंजुला अंगाणी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी और उन्होंने नए संग्रह का विमोचन किया। अवसर पर आयोजक वनामा नवीन कुमार, मणिदीप येचुरी और कल्याण कुमार ने संबोधित किया। महिला दिवस के मौके पर उन्होंने महिलाओं के लिए ज्वेलरी में कई छूट योजनाएं पेश की है। उत्तम आभूषणों में अग्रणी वेगाश्री गोल्ड एंड डायमंड्स ने इस महिला दिवस सीजन में उपभोक्ता को चकाचौंध करने के लिए बेहतरीन पेशकश की घोषणा की है। उन्होंने कहा, 10 से 18 मार्च तक ग्राहक केवल शुद्ध सोने की कीमत चुकाकर कोई भी आभूषण, सोना, हीरा या पोल की खरीद सकते हैं। आयोजकों ने कहा, यह अनूठी पेशकश बिना किसी विनिर्माण शुल्क या बर्बादी के आती है, जो हर खरीदारी के साथ शुद्ध मूल्य सुनिश्चित करती है। मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने सिंचाई अधिकारियों को प्रमुख निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को मुनेरू और लकाराम तालाबों में पानी छोड़ने का आदेश दिया गया। पालेरू जलाशय से पानी छोड़ने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा, पानी केवल खम्मम शहरवासियों की जरूरतों के लिए छोड़ा जा रहा है। इस बीच उन्होंने खम्मम निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। फार्मर्स नेटवर्क फसल रोपण के मौसम में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित सलाह और सुझाव देने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि इसे वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों के बीच सामग्री के सीधे और पारस्परिक आदान प्रदान के लिए रायतो वेदिका में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली के साथ जूम और यूट्यूब लाइव पर प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि CM रेवंत रेड्डी ने राज्य भर में किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए रायतो नेस्तम कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने समक्का सारलामा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अस्थायी भवन का उद्घाटन किया। साथ ही महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, समक्का सारलामा राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अस्थायी तौर पर शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार पूरी जमीन आवंटित कर दे तो विश्वविद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के मामले में केंद्र हर तरह की सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी समक्का सारलामा यूनिवर्सिटी के लिए नोडल होगी। OU रजिस्ट्रार प्रोफेसर P. लक्ष्मी नारायण ने महिलाओं के व्यापक विकास और सशक्तिकरण के लिए सभी को एक साथ आने का आह्वान किया है। UGC मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र MMTTC उस्मानिया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण मुख्य अतिथि थे। लक्ष्मी नारायण ने वनिता वंदनम नामक कार्यक्रम में महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाए विषय पर बात की। उन्होंने कहा, गांधी जी, अम्बेडकर और सरोजिनी नायडू की आकांक्षाओं को साकार किया जाना चाहिए। महिलाओं को न केवल व्यक्ति के रूप में बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। पूर्व मंत्री हरीश राव ने रेवंत रेड्डी की सरकार से सवाल किया, कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना देने का वादा कब पूरा करेंगे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान गरीबों से किए गए वादों को तत्काल लागू करने की मांग की। हरीश राव ने सिद्धिपेट कैंप कार्यालय में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक और 59 जियो भूमि पट्टे वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।
हरीश राव ने याद दिलाया कि पिछली सरकार गरीब परिवारों के साथ खड़ी थी। 50 लोगों को 59 जीओ प्रमाण पत्र, 29 लोगों को कल्याण लक्ष्मी एवं शादी मुबारक के चेक वितरित किए गए। करीमनगर के बीजेपी सांसद बंडी संजय ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है, पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए, ऐसा नहीं करके उनका भी अपमान किया गया। संजय ने करीमनगर संसदीय क्षेत्र में आयोजित प्रजाहिता यात्रा में ये बात कही। उनका कहना है कि उनमें कोई अशुद्धता नहीं है और वह किसी से नाराज नहीं है। अगर आप पार्टी में रहेंगे और पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तो यह अपनी माँ को धोखा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पार्टी सिर्फ उनकी वजह से है। उन्होंने कहा, मैं रहूँ या ना रहूँ, पार्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि वह कोई असंस्कृत व्यक्ति नहीं है जो अपने नेताओं पर टिप्पणी करे। संजय ने दुख जताते हुए कहा कि पार्टी में उनका अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप बीआरएस को वोट देंगे तो आप गंदी नाली दिया जैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देकर गलती की है, कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति है जो अन्याय होने पर कार्यकर्ताओं के बारे में सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस करने वालों और कार्यकर्ताओं को फंसाने वालों को पार्टी में शामिल करने का वह विरोध करेंगे। बीआरएस नेता दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण ने राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन से उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर संविधान के खिलाफ पिछली कैबिनेट द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उन्हें विधान परिषद में नामित करने की अपील की है। उन्होंने कहा, राज्यपाल ने एमएलसी कोचा के मामले में हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने राज्यपाल से उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उनके ईमानदार संघर्ष और बलिदान और सेवा को मान्यता देने को कहा है। दोनों नेताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 171(5) के अनुसार उनके पास पर्याप्त योग्यताएं हैं। उनके जैसे लोग जो समाज के सबसे पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनके पास विधायी प्रणाली में प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत कम अवसर है। मौजूदा मामला तो और अनोखा है। श्रवण और सत्यनारायण ने हाईकोर्ट के फैसले और उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2023 की कैबिनेट अनुशंसा को संवैधानिक रूप से लागू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि संविधान और मानवीय न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी अपील पर विचार किया जाना चाहिए। दासोजी श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण ने कहा कि वे विधायकों में अपनी भूमिका निभाने और अपने सामाजिक समूहों और देश की सेवा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। कालेश्वरम परियोजना के तहत बने 3 बराजों का निरीक्षण कर रही एनडीएसए टीम अनाराम के दौरे पर है। वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखर अय्यर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने बांध की सुरक्षा का निरीक्षण किया। खास तौर पर अनाराम बराज के चौथे ब्लॉक जिसमें सीपेज की समस्या है की जाँच केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम ने की। इन दौरों के बाद वह एक बार फिर जलासुदा अधिकारियों से मिलेंगे और कालेश्वरम परियोजना में बैराजों की सुरक्षा पर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देंगे। जबकि मेडीगड्डा और अनाराम की यात्रा भी कल होने वाली थी। मेडीगड्डा में 7वें ब्लॉक के डूबने की पूरी जांच के कारण इसमें देरी हो गई। इसके चलते अनाराम और सुंदीला दौरे अब तक स्थगित कर दिए गए हैं। टीपीसीसी कैलवा सुजाता ने महिला दिवस पर भूख हड़ताल पर बैठी कविता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला पक्षपाती सरकार है। डीके अरुणा पर पालमुरु के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य के लिए काम करने का आरोप लगाया। पूछा गया कि बीजेपी से पालमुरु लिफ्ट परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए क्यों नहीं कहा गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने खुलासा किया कि सार्वजनिक प्रशासन बढ़ रहा है। जब केसीआर ने केंद्रीय मंत्री पर अनुचित टिप्पणी की तो केटीआर क्यों नहीं बोले। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि कविता अपने फायदे के लिए ड्रामा कर रही है। टीएसआरटीसी एमडी सज्जनार ने महिला दिवस मनाने के लिए एक विशेष ट्वीट किया। टीएसआरटीसी परिवार की ओर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए महालक्ष्मी निःशुल्क बस सुविधा योजना महिला लोकम भ्रमारतम शुरू की गई। हर दिन औसतन 27 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 24 करोड़ महिलाएं आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर चुकी है। यह संगठन के लिए एक प्रोत्साहन है। उन्होंने ट्वीट किया, उन महिलाओं को एक बार फिर वुमेन्स डे की शुभकामनाएं जो अपने दैनिक जीवन में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करती है और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचती है। सज्जनार ने इस ट्वीट के साथ महालक्ष्मी योजना के उद्घाटन के दौरान महिलाओं के साथ अपनी तस्वीरें भी संलग्न की। दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन कोमुरैया ने कहा, उन्होंने अपने स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए VXL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने नाचाराम दिल्ली पब्लिक स्कूल में
VXL के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में भाग लिया। कोमुरैया ने कहा कि VXL कार्यक्रम न केवल छात्रों और शिक्षकों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी उपयोगी है। डिजिटलीकरण से माता पिता सब कुछ जान सकेंगे। बताया गया है कि उन्होंने पहले से ही अपने छात्रों के लिए स्कूल में कई कार्यक्रम चलाए हैं और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटलीकरण कंपनी VXL के साथ एक समझौता किया है। डे टू डे वीकली बेसिस एकेडमिक क्वालिटी एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द ईच स्टूडेंट एंड सपोर्ट द टीचर्स एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर्स वी हैव साइंड दिस एग्रीमेंट एंड VXL डूइंग डिफरेंट स्कूल्स in this field and we is one of the best practices used all over India and world and we want to give that benefit to all our students and parents also regularly they can follow and see track. This is an academic excellence company. They have created a platform on which you can improve students' education quality. In the sense, it can be utilized by teachers could have used this year too, students utilized here too. टॉनिक एलीट वाइन के ट्रायल में संसदीय की इस बात तेज सामने आई है। आबकारी अधिकारियों ने पाया है कि पिछले 6 साल में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई है। जीएसटी और उत्पाद शुल्क अधिकारी क्यूबा की बाकी 10 शराब दुकानों के खातों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। टॉनिक को 2016 में एलीट वाइन शॉप के लिए विशेष सचिव अजय मिश्रा जियो द्वारा लॉन्च किया गया था। जुबली हिल्स प्रशासन नगर पते पर अमित राज लक्ष्मण रेड्डी के नाम पर लाइसेंस जारी किया गया। आबकारी अधिकारी टॉनिक को दी गई छूट की जांच कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इस विशिष्ट शराब की दुकान का स्वामित्व BRS पार्टी के एक MLC और एक राज्यसभा सांसद के पास है। खबर है कि जियो को बड़े अपवादों के साथ जारी किया गया है। जहां सभी वाइन शॉप को रात 11 बजे तक शराब बेचने की इजाजत है, वहीं इस टॉनिक एलीट वाइन शॉप को रात 12 बजे तक शराब बेचने की इजाजत दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि टॉनिक के पास विदेशी शराब के लिए भी विशेष अनुमति है। इसके अलावा यदि सभी वाइन का टेंडर हो गया है तो इस विशिष्ट वाइन शॉप को बिना किसी टेंडर के सबसे महंगे क्षेत्र में अनुमति दी गई है। उत्पाद शुल्क विभाग और GST अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला दिवस पर खुशखबरी दी। रसोई गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की कटौती का ऐलान किया। मोदी ने कहा इससे लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। यह खासकर नारी शक्ति के लिए काफी उपयोगी होगा। मोदी ने कहा कि किफायती मूल्य पर रसोई गैस उपलब्ध कराकर हम परिवारों की भलाई में सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुलासा किया कि महिला सशक्तिकरण और जीवन जीने का आसान तरीका प्रदान करने के तहत रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र पहले ही घोषणा कर चुका है कि उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। हीरो विक्ट्री वेंकटेश को वास्वी ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर वेंकटेश ने वास्वी ग्रुप विज्ञापन फिल्म के साथ उत्तरी हैदराबाद कोमपल्ली की ओर प्रतिष्ठित परियोजनाएं वास्वी आवासा लग्जरी विला और वास्वी बिल्डिंग भूवी प्रीमियम लिमिटेड गेटेड कम्युनिटी की लॉन्च की। वास्वी ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यारम विजय कुमार ने जुबली हिल्स JRC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। विजय कुमार ने कहा कि हम रियल एस्टेट क्षेत्र में सर्वोत्तम निर्माण मानकों का पालन करके ग्राहकों को शानदार जीवन स्तर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्वी ग्रुप लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करके और आगे बढ़ेगा। हीरो वेंकटेश ने 30 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी काबिलियत दिखा रहे विजय कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह वास्वी ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनकर खुश है। कार्यक्रम में वास्वी समूह के निदेशकों सहित कर्मचारियों, प्रमोटरों और ग्राहकों ने भाग लिया। Flat number 4103. Dinesh Gaud. Kalpo chera inti kelpo era miru. Flat kelpo untaru ma. Vinay Kumar Kadare.
आगामी संसद चुनाव के मद्देनजर हैदराबाद सिटी कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने ओल्ड सिटी के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के सैदाबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चिंतल बस्ती में घेराबंदी कर तलाशी ली। कॉर्डन सर्च पुलिस ने एडिशनल डीसीपी टी स्वामी के निर्देशन में 220 पुलिस कर्मियों, 4 एसीपी, 8 सीआई के साथ कॉर्डन सर्च किया। पुलिस ने चिंतल बस्ती के 400 घरों और उनके आधार कार्डों की गहनता से जांच की। हमलों में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बाद में बिना उचित प्रमाण पत्र वाले 12 दो पहिया वाहनों को जब्त कर लिया गया। बस्ती में शराब बेच रही एक महिला को गिरफ्तार कर 45 कार्टन बोतलें बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदराबाद शहर के मलकपेट चौराहे के पास करंट ट्रांसफार्मर फटने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने समय रहते कार्रवाई की और एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के मलकपेट चौराहे के पास करंट ट्रांसफार्मर फटने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग लग गई। दुर्घटना स्थल के पास एक पेट्रोल पंप होने के कारण स्थानीय लोग घबरा गए। तुरंत अग्निशमन कर्मियों को सूचित किया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। यह सर्वविदित तथ्य है, सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही, तेज गति और नींद के कारण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं वे कभी कभी हमें दुर्घटनाओं का शिकार बना सकते हैं। इस मामले पर पूरी स्पष्टता पाने के लिए आपको निम्नलिखित वीडियो देखना होगा। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया है। काली शर्ट पहने एक आदमी सड़क पार कर रहा है। उसने जो शर्ट पहन रखी थी उसके रंग के कारण वह सामने आ रहे वाहन चालक को तब तक नजर नहीं आया जब तक वह करीब नहीं आ गया। कुछ ही देर में वह खतरे से बाहर हो गए। रात में सड़क दुर्घटनाओं में कपड़े भी एक कारण है, इसलिए पुलिस ने बाइक चालकों और पैदल चलने वालों से रात में काले कपड़े नहीं पहनने के लिए कहा है। ट्रैफिक पुलिस से अनुरोध किया है कि रात में यात्रा करते समय हमेशा टिंटेड कपड़े यानी पीले, सफेद, मैरून या रिफ्लेक्टिव कपड़े पहने और गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे।